भैया ये रखा देना तो ये। और मेरे हस्बैंड भी निकल रहे हैं। चलो तो फिर मैं गेट खोल देती हूँ। चले गए दोस्तों। और देखो दोस्तों वो लीची कल इतनी तेज आंधी तूफान बारिश आई थी, पूरा लीची लीची कर दिया था। सुबह मैंने पूरा झाड़ू लगाया आंगन में। देखो दोस्तों लीची दोस्तों पूरी लीची ना, मैं फटाफट पूरी लीची ना आधी तूफान ने पूरा कितना आधा कम ही कर दिया, इतना ज़्यादा था ना पूरा कम कर दिया। तो दोस्तों अब मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगाती हूँ और उसके बाद देखो हमारा मैक्सू इधर बैठ रहा है। मैक्सू गुड मॉर्निंग बोलो मेरे दोस्तों को। बाबा बोलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। हाँ बेटा बच्चा गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। देखो दोस्तों अब इसका ना टाइम शाम को तो ये इधर उधर करता रहता है रात को ना, अभी सुबह के वक्त फिर ये सो जाता है 2-3 घंटे। दोस्तों अब मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर आपसे झाड़ू पोछा लगाने के बाद मिलूंगी। देखो भाई मम्मी जो है नेक का बाल कोड़ रही है। मैक्सो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? सिट पोजीशन में है एकदम। नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आगे का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। और दोस्तों जैसा कि सुबह का मैंने आपको दिखा दिया था हल्का फुल्का, तो और अभी मैं पूजा मेरा ख़त्म हो गया और मैं अभी थोड़ा सा नाश्ता बना रही हूँ। कल ना मटर फली बनाया था, मटरी बनाया था मैंने, तो वही थोड़ा सा चाय के साथ खाती हूँ क्योंकि कल खाया नहीं था मैंने और अभी चाय के साथ खाती हूँ। और उसे सब्जी भी बना रखा है मैंने। और आज ना मैं काले चने होते हैं ना वो बनाऊँगी, वो चावल बनाऊँगी। तो दोस्तों जैसा जैसा होगा फिर मैं आपको दिखाती हुई जाऊँगी। तो अभी मैं मटर फली निकाल लेती हूँ और मटर फली खाऊँगी अभी ना चाय के साथ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। और आजकल ना गर्म के कारण ना फिर प्याज भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों इसीलिए फिर अभी मैं मटर फली खाऊँगी और उसके बाद में फिर मैं मेरे हाथ में ना सिंदूर का वो लग गया था, यहाँ भी पूरा लाल लाल लग गया। तो दोस्तों फिर अब मैं मटर फली निकालती हूँ और
जैसा होता है कि मैं आपको दिखाती हूँ, जाऊँगी रोज़। तो चलो, तो जैसे मैंने इनमें भर दिया था, दोस्तों ये खोल लेती हूँ पहले मैं ना, एक हाथ से मेरा मोबाइल है, पहले मैं खोल लेती हूँ। ये देखो दोस्तों, मटर फली बनाया था मैंने, इतना अच्छा बन रखा है ना इससे मेरा मटर फली, मतलब खस्ता मेरा। तो अभी मैं इसमें निकाल लूँगी मैं, मैंने निकाल लिया और ये रख दीजिए। और दोस्तों जैसे कि मेरे हस्बैंड भी ना चाय के साथ खाते हैं, तो फिर मैं कभी मैंने उनके लिए भी बना दिया था। मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ, दिन में ऐसी बैठी थी, मैंने बोला चलो मैदा था फिर मैंने बना दिया। ये देखो दोस्तों, थोड़ा मैं चाय के साथ खा लेती हूँ पहले इसको ना। सब्जी भी मैंने चढ़ा दिया, ये पूरा दरवाज़ा दरवाजा बंद कर देती हूँ ना मैं, लाइट जला देती हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरी सब्जी भी बन गई। आदर्श को पसंद है ना एकदम सूखी सब्जी न्यूटी का, और ये नहा धोकर आ गया, अब ये रोटी के साथ खाएंगे। दोस्तों अब ये है मेरा नाश्ता, मैं ले जा रही हूँ और खाऊंगी। आदर्श भी खा रहा है इधर, मैं भी खाऊंगी। तो चलो दोस्तों, अब मैं फिर नाश्ता खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, और फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है। कच्चे आम थे, इसको मैंने मतलब इसको कूट दिया मैंने, और ये थोड़ा सा ये भी डालूंगी मैंने। थोड़ा प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं ये डालूंगी। दोस्तों मैंने इसमें चना भी डाल दिया और नमक भी डाल दिया, अब ये थोड़ा पकता रहेगा मेरा। आदर्श, अरे यार मम्मी ऐसे मत बोलना। दोस्तों आदर्श पढ़ाई कर रहा है, दोस्तों आदर्श पढ़ाई कर रहा है। मैं अभी ये तरबूज को काट कर लेकर आई, सो रहा है ठंडी ठंडा 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 कूल कूल मैचो, कितना मजा आ रहा है मैचो को। और दोस्तों अब मैं खाऊंगी तरबूज, और मैं खाऊंगी हाँ और मैं खाऊंगी तरबूज दोस्तों। और मैंने सब्जी चढ़ा दिया, अब सब्जी बन जाएगा तो फिर चावल चढ़ा दूंगी। तरबूज खाए खा दू, थोड़ा सा खा ले। नहीं चल ठीक, कोई बात नहीं, मैं पूरा फिनिश कर लूंगी। दोस्तों ये मैंने चना और चावल डाल लिया, और ये थोड़ा सा चटनी बनाई थी मैंने वो, और अब खा रही हूँ दोस्तों।
दोस्तों खाना खाने के बाद फिर मैं गाड़ी में निकल गई थी पुताई का सामान लेने के। दोस्तों ये मैंने सामान ले लिया, यहाँ से सामान ले लिया मैंने, भैया ये रखा देना, तो ये ऑटो में आधा से उधर ये बैग कर। दोस्तों अभी ये लेकर आ गई, देखो सामान लाए, आज हम एक्सप्यू ये भी जरा मेरा वेट कर रहा था मम्मा का। चलो अंदर अंदर चलो अंदर 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 रूम में चलो रूम में चलो रूम में चलो। सब्जी भी लेकर आई मैं, आदर्श ने अंदर कर दिया बेचारे ने। मिक्सु तो मम्मा कल खोजी रहती। दोस्तों मैंने वाटरप्रूफ भी लेकर आ गई थी, और ये भैया लोग से ये लोग सुबह से काम लग रहे थे, सफाई इन्होंने पूरा मतलब छत सफाई किया। सफाई करने के बाद ये सीमेंट भी यही लोग इनसे ही मंगाया था मैंने, सीमेंट और डॉक्टर फिक्स, तो ये लाकर ये लोग सब लगा रहे थे खड्डे में ना, जहाँ जहाँ थोड़ा सा गड्ढा हो रखा था वहाँ लगा रहे थे। पूरे छत में सफाई कर दी थी इन्होंने, और उसके बाद में फिर इन्होंने सफाई करने के बाद फिर पानी से भी धुलाया उसे, और वो करने के बाद इन्होंने ड्रम रूप लगा दिया फिर पूरे जगह ना सब। और लगाने के बाद अब बरसात में हमें थोड़ा सा सीलन का खतरा नहीं रहेगा। दोस्तों देखो पूरा लग गया, अब एकदम सफा लग रहा है। उसने बोल रखा है इसमें तो पानी भी डालना, इसमें पानी भी डालेंगे। आज तो जैसे पूरा सूख गया, छत के ऊपर भी ये रूम के ऊपर भी लगा रखे। अब काम खत्म हो गया इस ये लगाने के बाद।